इस तरह से सूर्य नमस्कार करेंगे। आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ओम भास्कराय नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह,
Bara. Om Divakaraya Namah. Ek, do, teen, char, panch, chh, saat, aath, nau, das, gyarah, baarah. Om Suryaya Namah. Ek, do, teen, char, panch, chh, saat, aath, nau, das, gyarah. Om Adityasya Namaskaram Yah Kurvanti Dinidini Ayur Pragya Balam Viryam Tejas Tesham Chajayat Om Pani Aane Laga बारिश चालू हो गई ये करते हैं सूक्ष्म व्यायाम जब आप ये व्यायाम गहरी गहरी सांसों के साथ करते हैं कि यह एडवांस योग की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए गहरी गहरी सांसों के साथ आप व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करिए। पूरे मन को एकाग्र करते हुए अपने ध्यान को अपने प्रभु में लगाते हुए एडवांस योग आप सभी निरंतर प्रतिदिन करिए। जब आप सुबह योग और प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर की बैटरी पूरी तरह 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाती है। जिस तरह आप मोबाइल को चार्ज करते हैं
उसी तरह अपने शरीर को चार्ज करने का सबसे बढ़िया माध्यम, सबसे आसान तरीका है योग और प्राणायाम, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को पूरी तरह चार्ज करके 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। और जब आप योग प्राणायाम करेंगे तो आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार जागृत होगा, जो आप स्वयं महसूस करेंगे। पर यह प्राणायाम और योग निरंतर ही करना है, नित्य प्रति। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान ध्यान करके और उसके बाद फिर निरंतर योग और प्राणायाम सभी करिए। एक घंटे के योग से, एक घंटे के प्राणायाम से आप यह समझ लीजिए कि यह आपके 24 घंटे की दवा है। जिस तरह लोग बीपी शुगर की दवा खाते हैं, सुबह उठते ही थायराइड की दवा खाते हैं, बीपी शुगर हार्ट की दवा खाते हैं, उसी तरह यदि आप यह योग की दवा नित्य प्रति इसका उपयोग करने लगो आप, तो निश्चित रूप से आपकी सारी दवाएं बंद हो जाएंगी। आइए करते हैं सूक्ष्म प्राणायाम। इस तरह अपने पंजों को आगे की तरफ, मन को पूरा केंद्रित करते हुए आगे की तरफ झुकाना है, फिर धीरे धीरे इसे पीछे की तरफ, एक दो, एक दो, इसे कम से कम इस तरह 10 बार आगे पीछे ऐसे करना है। जब आप यह पंजों से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपके कमर की नसें भी व्यायाम से खिंचती हैं, और कमर के दर्द वालों को भी इसमें बहुत रिलैक्स महसूस होता है। इसे जरूर करें, आगे की तरफ खींच कर थोड़ा रुकना है, फिर इसे धीरे धीरे पीछे की तरफ लाएं। ऐसे इसके बाद अगला सूक्ष्म व्यायाम आप ऐसा मान के चलें कि यदि आप नित्य प्रति व्यायाम और प्राणायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर के सारे रोग एकदम से तो नष्ट नहीं होंगे, पर धीरे धीरे लगभग 6 महीने के अभ्यास के बाद आपको आराम समझ में आएगा। जब आप इसे निरंतर करेंगे तब धीरे धीरे आराम आपको हर रोग में समझ में आएगा, पर जब भी आपको आराम महसूस होगा तो आप यह मान के चलिए कि आपकी बीमारी धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाएगी। इसलिए निरंतर योग करें नित्य प्रति, तन मन को पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए सबसे अच्छा साधन योग ही है। अपने प्रभु को याद करते हुए, अपने मन को पूरी तरह शांत करते हुए नित्य प्रति आप योग और प्राणायाम जरूर करिए। जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो इस व्यायाम के साथ साथ आप भस्त्रिका कपालभाति जब करते हैं तो यह एडवांस योग के श्रेणी में आ जाता है, और यह एडवांस योग हो जाता है, और उसमें तुरंत रिलीफ मिलना शुरू होता है। अभी हम आगे दिखाएंगे आपको कि भस्त्रिका के साथ सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है।
आइए तितली आसन करते हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से लाइव हम नित्य प्रति आपको दिखाते हैं। आप निरंतर योग करिए, हमारे इस योग चैनल के माध्यम से भी आप रोज योग कर सकते हैं। जब आप प्रतिदिन योग करेंगे तो आप स्वतः ही महसूस करेंगे कि आपको एक विशेष रिलैक्स महसूस होगा, आपको एक विशेष आराम महसूस होगा और आपका इंटरेस्ट योग के प्रति बढ़ेगा। इसलिए रोज करिए। अब अपन करते हैं सर्वांगासन। सारे अंगों का यह आसन है, इसके करने से आपके सारे अंगों में प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वांगासन। पैर से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर तक सभी अंगों पर प्रभाव डालने वाला यह आसन है सर्वांगासन। इसे कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से करना है, अवश्य करें। जो स्वस्थ है, बलवान है, वो इसे और ज्यादा भी कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति को एक बार दो बार इसे जरूर करना है। इस आसन के करने के समय आप कुछ देर रुकिए, ऐसे। जब आप थोड़ा देर रुकेंगे तब इस आसन के लाभ शुरू होते हैं। आपके शरीर के सारे अंगों में प्रभाव डालने वाला यह आसन है जिसे हम सर्वांगासन कहते हैं। आइए एक बार और करते हैं। इसके बाद करेंगे चक्रासन। अपने शरीर को चक्र के समान बनाना, ये हुआ चक्रासन। थोड़ा देर रुकना है। इसी में मरकटासन, अपने घुटने एक तरफ और सर दूसरी तरफ विपरीत, जिस तरफ आपका घुटना झुकेगा, जिस तरफ पैर आपका झुकेगा, सर उसके विपरीत जाएगा, ऐसे। ये है मकरासन। इसी में जब आप गहरी गहरी सांसों को लेकर भस्त्रिका या कपालभाति करते हैं,
तब यह एडवांस योग में आ जाता है। आइए निरंतर हमारी लाइव की क्लास सुबह 7 बजे से चालू होती है। आप सभी इस क्लास में जुड़कर योग और प्राणायाम का निःशुल्क लाभ लीजिए और नित्य प्रति जरूर करिए योग और प्राणायाम। यह आपके शरीर के लिए सबसे लाभदायी क्लास है। इसमें आप जुड़कर अपने शरीर को चार्ज करने का एक बेहतरीन मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारी इस लाइव वीडियो के माध्यम से नित्य प्रति आप योग और प्राणायाम अवश्य करिए। कुछ दिन बाद हम आपको YouTube में भी योग की लाइव क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें निरंतर सभी को इस लाइव वीडियो के माध्यम से योग के फायदे बताए जाएंगे। जिनको कमर में दर्द है, बैक पेन जिसको अपन कहते हैं, बैक पेन में जिनको तकलीफ है, उसके लिए यह आसन, इसमें आप दाहिने पैर को मोड़कर पीछे की तरफ, जिस पैर को मोड़ेंगे उसी तरफ आपको देखना है, आपको सीधा पीछे की तरफ नजर करना है। जब आप यह आसन करेंगे तो आपको स्वतः महसूस होगा कि कौन सी नस नाड़ी आपकी इसमें एक्टिव हो रही है। यह बैक पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत बढ़िया आसन है। जिसको भी तकलीफ है वो यह निश्चित नित्य प्रति करें, रोज करें। जिस पैर को मोड़ेंगे उसी तरफ आपको पीछे की तरफ देखना है, आपकी नजर पूरी, आपका पैर दिखना चाहिए, आपको ऐसी नजर होना चाहिए। कौन सा आसन है दीपक? गौमुख आसन। आइए आपको बताते हैं गौमुख आसन। हमारे साथी दीपक जी यहाँ पर हैं। इस आसन में जिस पैर को आपको मोड़ना है उसी तरफ के हाथ को भी आपको दोनों तरफ, दोनों हाथों को पकड़ कर रखना है। गहरी गहरी सांसों के साथ इस आसन को करते हुए थोड़ा देर रुकना है, नजर बिल्कुल सामने, पूरी तरह एकाग्र होकर, बिल्कुल ध्यान लगाते हुए, मन को शांत करते हुए
गोमुख आसन, दोनों हाथ की हथेलियां बिल्कुल आपकी, मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूं किस तरह पकड़ना है। यस, दोनों हाथों को कैंची की तरह पूरा लॉक करना है। जब ये लॉक करेंगे तब आपकी नसों में खिंचाव होता है इस तरह। अब इसी को दूसरे तरफ से करना है, लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड, दोनों हाथों को जोड़कर इस तरह। गोमुख आसन, शुगर, बीपी सभी रोगों के लिए बहुत बढ़िया। इस आसन से आपके तंत्रिका तंत्र में तीव्र गति से ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए नित्य प्रति इसको करें एक बार। जब इसका अभ्यास हो जाए तो इसको आप 10 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं। गोमुख आसन, आइए अब हम उद्गीत से प्राणायाम की शुरुआत करके आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उज्जायी प्राणायाम, आपको गले से अंदर की ओर सांस को खींचना है, जिसमें आपकी, यदि आपको खांसी आती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हो, सही कर रहे हो। तो इसे
गले के सभी रोगों के लिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ से लेकर पूरा एक इंस्ट्रूमेंट पूरा है जो ये आपके नाक कान गले को पूरा मेंटेन करता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया आसन है उज्जायी प्राणायाम, जिसमें थायराइड और हार्मोन्स के सभी जितने हार्मोन्स घटने बढ़ने के रोग हैं उसको बैलेंस करने का सबसे बढ़िया आसन है उज्जायी। तो आइए करते हैं उज्जायी प्राणायाम। बाएं से आपको छोड़ना है, उज्जायी प्राणायाम। इसे जब आप करेंगे तो आपको गले में थोड़ा सा ताकत भी लगेगी और आपको खांसी भी आ सकती है। इसे आप बिल्कुल धीरे धीरे सामर्थ्य के अनुसार इसे करें, जिसमें आपको धीरे धीरे जब करेंगे तो आपका इस प्रैक्टिस हो जाएगी, रियाज हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। और जब आपका अभ्यास हो जाएगा तब आप इसको बिल्कुल 10 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। अभ्यास के बाद इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। आइए करते हैं पुनः उज्जायी प्राणायाम। बाई तरफ से आपको छोड़ना है। सांस को पहले आपको गले में अंदर की तरफ पहले पूरी सांस छोड़ दीजिए, फिर अंदर की तरफ आपको खींचना है। ये हुआ उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम से आपको गले से संबंधित सारे रोग धीरे धीरे आपका मेंटेन होगा, पूरा गला। आप ये मान के चलिए कि ये जो आपके शरीर में ये इंस्ट्रूमेंट पूरा विद्यमान है, यह इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे आपका सारी चीज हार्मोन्स का जितना लेवल चाहिए शरीर को वो लेवल आ जाता है, मेंटेन होता है। और जब आपका शरीर में सारी हार्मोन्स की प्रक्रिया मेंटेन हो जाएगी तो आपका थायराइड हो गया, गले के सारे रोग जितने भी रोग हैं नाक कान गले के, वो सारे रोग धीरे धीरे अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। और आपको ये पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको बैलेंस करके देगा उज्जायी प्राणायाम। आइए एक बार पुनः करते हैं। यह हुआ
उज्जायी प्राणायाम। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जब आप सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो इसे ताकत लगती है। जब धीरे धीरे आपको करना है, जो स्वस्थ है वो ही तेज गति से कर सकते हैं इसको, उन्हीं को करना चाहिए। बाकी धीरे धीरे अभ्यास आप इसको करिए, जब आप स्वस्थ हो जाए पूरी तरह तब आप इसे तीव्र गति से भी कर सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट तक किया जा सकता है भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले आप सांस को गहरी खींचना है और फिर पूरे प्रेशर से आपको छोड़ना है। इस तरह आप जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो फेफड़ों में आपके ऑक्सीजन की मात्रा एकदम से बढ़ती है और आपको फेफड़े पूरी तरह धीरे धीरे स्वस्थ होंगे। इसे आप जरूर करिए भस्त्रिका। भस्त्रिका करने का सबसे मेन तरीका है कि आप इसको सबसे पहले मन को पूरी तरह एकाग्र करके ही इस प्राणायाम को जब करेंगे तो आपको प्राणायाम करने का आनंद भी आएगा और इसको करने में आपको आंतरिक रूप से एक ऊर्जा का संचार महसूस होगा। इसको तीव्र गति से भी आप कर सकते हैं, जैसे थोड़ा इसको करने में आपको परेशानी हो सकती है, पर जब आप करने लगेंगे तो यह अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। इसी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो यह एडवांस योग हो जाता है और रोगों को तीव्र गति से नष्ट करता है। तो आइए भस्त्रिका के साथ अपन सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं देखिए। ये है एडवांस योग। पूरी तरह हाथों को ढीला करके इसे कहते हैं एडवांस योग। जब आप यह दोनों प्राणायाम एक साथ करेंगे तो यह एडवांस बन जाता है।
स्थिति में भस्त्रिका के साथ आप गर्दन के भी प्राणायाम करें। गर्दन का एडवांस योग है। जब आप इसे भस्त्रिका के साथ करते हैं तो आपको भस्त्रिका करने में बड़ी सहूलियत महसूस होती है और आपको भस्त्रिका करने में आसानी भी महसूस होती है, क्योंकि इसमें गले का मूवमेंट तीव्र गति से होता है। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में भी आप आज एडवांस योग करिए। कपालभाति तो हम रोज ही करते हैं, पर जब इसको एडवांस योग के साथ आप एडवांस रूप में करते हैं, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम मिलकर जब करते हैं, तो आपको इसमें विशेष लाभ महसूस होगा। आपको एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा आपके शरीर में। तो आइए करते हैं कपालभाति। इसी में आप तीव्र गति से भी कर सकते हैं। और जब तीव्र गति में कपालभाति आप करते हैं, इसी में आप एडवांस योग भी कर सकते हैं। जैसे कपालभाति के साथ एडवांस योग, सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति दोनों एक साथ। इस तरह कपालभाति को एडवांस योग के रूप में सूक्ष्म व्यायाम के साथ
वो करें जो अभ्यास जिनका निरंतर है, जो निरंतर योग करते हैं, जो प्रतिदिन योग करते हैं, उनके लिए ही यह एडवांस योग है। जो प्रतिदिन नहीं करते, उनको पहले अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही एडवांस योग करना चाहिए। अब आइए करते हैं आज हम अनुलोम विलोम का एडवांस रूप। सबसे पहले धीमी गति में अनुलोम विलोम। मैं आपको बता दूं कि आपके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी परेशानी है, सर से लेकर पैर तक पूरे नस नाड़ियों में ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है अनुलोम विलोम। तो आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, धीरे धीरे। पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन को पूरी तरह शांत करते हुए, मन को अपने प्रभु में, अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, पूरी तन्मयता के साथ अनुलोम विलोम। जब आप कंटिन्यू बैठते हैं तो आपको असहज यदि महसूस होता है तो आप बदल सकते हैं। आइए करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप जब इसे सांस को लेते हैं और इसे अंदर की तरफ रोकते हैं और फिर धीरे धीरे जब इसे छोड़ते हैं तो यह कुंभक और रेचक भी हो जाता है। जैसे आपने सांस लिया रोक कर फिर छोड़ा, जब हम अनुलोम विलोम में तीव्र गति का अभ्यास करते हैं तो यह एडवांस की श्रेणी में आ जाता है। जैसे आज हमने अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति की एडवांस योग आज हमने सीखा है। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आइए करते हैं Mm-hmm.
भ्रामरे की तरह इसमें आपको गुंजन करना है। यह जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो एक विशेष अनुभूति आपको महसूस होगी। एक बार पुनः करते हैं। आइए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। पूरी तन्मयता से पूरे ध्यान को एकाग्र करते हुए अपने प्रभु को याद करते हुए अपने भगवान परमेश्वर को याद करते हुए उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 बार करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोचयामामृताय। असतु मा सद्गमय तं सो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देहु शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति सामा शांति रेदी। ओम शांति शांति शांति। ओम करते हुए अपनी आंखों में आपको लगाना है। फिर धीरे धीरे इस तरह हम रोज लाइव योग के माध्यम से एडवांस योग और सभी तरह के योग प्राणायाम हम सुबह 7 बजे से करेंगे। आप नित्य प्रति हमारे साथ योग करिए। स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। आप सभी को नमस्कार।